मनीषा रानी को लगा एल्विश यादव के पापा की बात का बुरा। एल्विश यादव के पापा ने काफ़ी सारी बातें समझाई थी और जो सही भी थी, मनीषा रानी को सही भी लग रही है। लेकिन दोस्तों, मनीषा रानी गिल्ट में पूरी तरीके से डूब चुकी है, जिसकी वजह से मनीषा रानी के आंसू नहीं रुक रहे। और रात को एल्विश यादव के रिगार्डिंग फुकरे इंसान कुछ ऐसी बातें बताते हैं मनीषा रानी को। सच में मनीषा इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों, मनीषा रानी को इसके रिगार्डिंग पहले नहीं पता था, बस आइडिया था। अभी दोस्तों, फुकरे इंसान जो कुछ भी समझाते हैं मनीषा रानी को, सच में दिल में छूने वाली बातें होती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में आपको इस तरीके से कोई ना कोई तो समझाने वाला होना चाहिए, तभी तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हसीन और आसान रहती है। तभी तो दोस्तों, मनीषा रानी आधी रात को फुकरा इंसान को गले भी लगा लेती है। और दोस्तों, फुकरा इंसान मनीषा के आंसू भी पोंछते हैं। अभी क्या है पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अभी दोस्तों, होता ऐसा है, फुकरे इंसान आधी रात को मनीषा रानी के पास में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अभी दोस्तों, मनीषा रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है। तो फुकरे इंसान बोलते हैं कि यार, इतना ज़्यादा गिल्ट में क्यों डूबी हुई है, अभी जो हो गया ना यार, अभी ठीक है, तू अपने आप पर सुधार कर, तेरे को मैं इतने टाइम से बोल तो रहा था, तू कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती है। अभी देख, तू दिन में एक बार, दो बार, तीन बार मजाक करेगी ना एल्विश के साथ में, तो वो अच्छा, क्यूट, फनी भी लगेगा, लेकिन पूरे पूरे दिन इरीटेट करता है यार। और घर वाले भी उसके सही है, क्योंकि हमारे वहाँ पता है, वो एल्विश है ना, जो छोटे गांव से, वजीराबाद से, अभी वहाँ पर ऐसा ही एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता। हाँ, एल्विश अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, सेलिब्रिटी हो गया, तो उसका सर्कल थोड़ा बड़ा है लड़कियों के साथ में, लेकिन वो बाहर भी लड़कियों से दूर रहता है। अभी तो बता, ऐसे करेगी तो उसकी उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग सोचना, उसको कैसा फील होगा। अभी तभी उसके पापा बोल कर गए थे, तो मनीषा बोलती कि मैं कोई गंदी लड़की थोड़ी हूँ। तो अभिषेक बोलता है कि बेटा, तेरे को गंदी लड़की कौन बोल रहा है, तू गंदी लड़की नहीं है, तू सबसे अच्छी लड़की है। अभी तू बस इतना ध्यान रख, तेरे को जो भी करना है एक लिमिट में करना है, बस लिमिट से ज़्यादा नहीं करना, और अपने आप पे फोकस करना है, तेरे को लोगों को क्यों एंटरटेन करना है। अभी इसके बाद भी दोस्तों, मनीषा रानी बोलते हैं कि इस घर में मुझे लगता है बस तू ही मुझे समझता है, मैं तो बस लोगों को अपना समझ लेती हूँ, लेकिन कोई मुझे अपना समझता नहीं है तेरे अलावा। खैर दोस्तों, मनीषा रानी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं तो। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, बता सकते कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना।